हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज assertion गिवन है। in gel electrophoresis dna fragments move move towards the anode तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, gel electrophoresis के अंदर हम करते क्या हैं? ये हम देखते हैं ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया एक बेड लिया सो कंसीडर करो कि दिस इज द बेड ठीक है ये हमने बेड लिया यहाँ पे ये वेल्स होते हैं जिनमें हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो प्लेस करते हैं ये वेल्स हैं जहां पे हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्लेस करते हैं ठीक है तो दीज आर वेल्स अब यहाँ पे कैथोड प्लेस करते हैं यहाँ पे हम एनोड प्लेस करते हैं ठीक है कैथोड एंड एनोड प्लेस करते हैं मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर्म करते हैं इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफोरोसिस कहा जाता है ठीक है अब ये जो बेड है इसके अंदर हम एक जेल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल तो हम एक जेल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल ये जो एग्रोस जेल है ये हम लेते हैं सी वीट से ठीक है और हम एग्रोस जेल ही क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि एक सीविंग इफेक्ट शो करता है यानी क्या करेगा चलने जैसा इफेक्ट शो करेगा जिससे कि हमारे जो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करें करे? मूव करें तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरसिस करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर वेट एंड मोलिकुलर साइज ठीक है मोलिकुलर वेट और साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं अब इसमें होता क्या है जो जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेल इसके अंदर प्लेस करते हैं तो जो हैवी या हम बोल सकते हैं कि जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रेग्मेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं पीछे रह जाते हैं यानी लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स तो यहां रह जाएंगे और जो शॉर्टेस्ट होंगे वो एनोड की तरफ चले जाएंगे शॉर्टेस्ट एनोड की तरफ चले जाएंगे ठीक है सो so, यहां पे वापस से हम स्टेटमेंट देखते हैं दर्शन की इन जेल इलेक्ट्रोफोरोस डी एन ए फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड्स एनोड तो डीएनए फ्रेगमेंट एनोड की तरफ मूव करते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है रीजन गिवन है डी एन एज एवली चार्ज मॉलिक्यूल सो ये इनकरेक्ट हो जाता है अगर डीएनए पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता एनोड की तरफ मूव नहीं करता वो कैथोड की तरफ मूव करता डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है ठीक है इसीलिए ये एनोड की तरफ रन करता है ठीक है so सो यहाँ पे DNA is a तो येक्ट हो जाएगा ऑप्शन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन ए इनकरेक्ट चला जाएगा बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सी गिवन है अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो सी uh, ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है डी गिवन अजर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन सी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीआर में पेज नंबर 168 पे मिलेगी आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है